हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह डेल का एलईडी मॉनिटर है, 19.5 इंच का है जो पैनल है। इसमें देख रहे होंगे लाइन आ रही है एक, तो ये बहुत हल्की सी दिख रही है आपको लाइन, तो डार्क लाइन है, थोड़ा मोटी है और ये वर्टिकली आ रही है पूरा, आप देखेंगे यहाँ। और ये देखिए, स्क्रीन मैंने चेंज कर दी, इसमें थोड़ा डार्क दिख रही है, सही दिख रही है, और वाइट कलर की है, थोड़ा हल्का मोटी लाइन, तो इसको रिपेयर करेंगे। इसमें पैनल ख़राब है, तो अगर आप चाहे टीवी का पैनल हो या एलसीडी एलईडी मॉनिटर का कोई सा भी पैनल हो, रिपेयर करने का एक ही तरीका है, वो होता है। तो अगर आप चाहे टीवी का पैनल रिपेयर करें या एलसीडी एलईडी का, तो पैनल में सेम जो वोल्टेज है, सिग्नल हैं, सब सेम ही होते हैं, तो आप कोई सा भी रिपेयर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ बिना स्किप किए हुए, तो ज़रूर आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसको हम खोल लेंगे पूरा, बैक साइड से सारे स्क्रू निकाल के फिर बेजल खोल लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी एलईडी एलसीडी मॉनिटर का पार्ट चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कहीं भी चाहिए आपको। तो देखिए, खोलने के लिए बैक साइड स्क्रू खोलने के बाद सबसे पहले बेजल अनलॉक करेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए बताता हूँ, कोई अगर नए हैं टेक्नीशियन हैं तो उनको इजी हो जाता है खोलना। तो इस तरह से अनलॉक करके बैक साइड का बैक कवर निकाल लीजिए। फिर अब हमें इसमें जो ये आगे ब्लैक सा एक पेपर दिख रहा होगा, इसको हटा लेंगे। ये स्केलर बोर्ड हमें रिपेयर करना है और इसी में हमें सब वोल्टेज वगैरह मेज़र करनी है, प्रॉब्लम इसी बोर्ड में है, तो इसको हम चेक करेंगे सारा वोल्टेज इसमें कहाँ पर क्या आ रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक इट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, इसका सारा वोल्टेज कोई इशू तो नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये BGH है, 16 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ ये टेस्ट पॉइंट है जो VCOM का है, ये भी सही आ रहा है, 5 से 7 वोल्ट तक आता है, अलग अलग पैनल में वैरी होता है। ये देखिए VDD वोल्टेज 12 वोल्ट, ये भी सही आ रही है। ये देखिए VGL आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। और ये जो कंट्रोलर को 3.3 वोल्ट जा रहा है, वो भी सही आ रहा है। तो अब यहाँ पर सारे वोल्टेज सही आ रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये VGH ओड इवन यहाँ आता है, तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, ये अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं पे पैनल में शॉर्टिंग है, तो इसकी वजह से ये शॉर्ट हो रहा है। तो इसी को हमें रिमूव करना है, प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो हम इसको अभी आप देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये CKV ट्रैक हैं, और यहाँ पर BGH और VGL ओड इवन दोनों वोल्टेज मिलती है, और ये CKV लाइन है सारी, ये देखिए इस तरह से। लेकिन अब इसमें बहुत सारे में कट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इस यहाँ पर कट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, राइट साइड में जो कॉफ में गई है, वहाँ तो हमें ऑप्शन है कि दिख रहा है ट्रैक, ये देखिए पूरा गया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ कहीं भी कट कर सकते हैं, और अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ अभी कहाँ से आप कट करेंगे, अगर कोई यहाँ, अगर यहाँ जो दिख रहा है मार्क, यहाँ से कट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी वो वोल्टेज DC IC से और सिग्नल हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड कॉफ में जाएगा, तो प्रॉब्लम वाली सॉल्व नहीं होगी। तो इसके लिए हम पूरा इसको खोलेंगे, PCB बैक साइड से देखेंगे हमें ट्रैक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या कुछ कंपोनेंट लगा है। तो ये देखिए, निकाल के अब हम बैक साइड में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस दिख रही हैं आपको, कई सारी अगर दिख पा रही होंगी, तो यही रेजिस्टेंस हैं जो CKV लाइन पर और जो BGH और VGL ओड इवन है, ये DC to DC IC से यहाँ पर जा रहा है डायरेक्ट, तो इसी में शॉर्टिंग है पैनल में कहीं पे, तो इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूटी से हम चेक कर लेंगे कौन सी रेजिस्टेंस है किसकी, सारा हमें पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो BGH ओड इवन का है वो सबसे लास्ट वाला है, तो इनको हम रिमूव करके देखेंगे। और रिमूव करने का मैं हमेशा बताता हूँ कि 1x1 करें, अगर जितने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर आगे की करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि कई बार किसी किसी पैनल में कलर की प्रॉब्लम आ जाती है और हल्का हल्का फेड सा लाइन सा दिखेगा, तो इसलिए वन बाई वन करें तो, और चेक करते रहें एक निकाल के दो निकाल के। तो अब जिसमें दो निकाल लिया हूँ तो अब चेक कर लूँगा, प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं होगी तो फिर आगे की निकाल लूँगा। तो अगर पूरा इस टाइप से आपको दिखाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये सारा निकाल लिया है, यहाँ ये जो पहला है VGH ODVN का है और ये BGL ODVN का है और इधर CKV का है, एक मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इतने पे हमारा डिस्प्ले सही बन गया था तो इसलिए मैंने उसको निकाला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर निकाल भी दूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये देखिए यही रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, यहाँ पर सारी रेजिस्टेंस लगी थी, ये जूम करके देखिए आप देख रहे होंगे DC to DC IC से डायरेक्ट जा रही हैं। तो अब मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल दिया, यहाँ पर जो आगे पॉइंट बने हैं और कॉप से इसका कनेक्शन हट गया, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा किस टाइप से इसका कनेक्शन हटाना है। अगर रजिस्टेंस नहीं होगी तो होती, किसी किसी में नहीं होती है और जो कट का पॉइंट बना होता है वो आगे होता है कॉप के पास, तो वहाँ से हमें कट करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है, अब आप देखेंगे कि ये देखिए ये लाइन अब नहीं दिख रही है हमें, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो हमारा पैनल रिपेयर हो चुका है, तो इसमें CKV लाइन की प्रॉब्लम थी, जो CKV सिग्नल थे वो शॉर्ट थे, इस वजह से वोल्टेज अप डाउन कर रहा था, तो हमने उनको हटा दिया तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। देखिए इस पर भी पूरा लाइन दिख रहा था मोटा सा, तो वो भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हमें कट करना है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारी इसी टाइप की वीडियो लाते रहते हैं, पूरा LCD LED रिपेयरिंग की और पावर सप्लाई रिपेयरिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।